हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बंगाल शैली की शुरुआत की थी, जिसमें हमने बंगाल शैली के बारे में जाना और बंगाल शैली के कलाकारों के बारे में जाना। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए कलाकार को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं मनीषी डे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 1909 में और इनकी मृत्यु हुई है 1966 में। ठीक है, कब हुआ है इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ है 1909 में और इनकी मृत्यु हुई है 1966 में। चलिए, इनका जन्म हुआ है 22 सितंबर को। ठीक है, 22 सितंबर को कहाँ पर? 1909 में। कहाँ पर? जगह कौन सी थी? ढाका बांग्लादेश में। कहाँ पर? ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है 22 सितंबर को सन 1909 को। कहाँ पर? ढाका आपका कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनकी मृत्यु। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1966 को। ठीक है, 1966 को कहाँ हुई है? कलकत्ता में हुई है। कहाँ पे हुई है? कलकत्ता में हुई है। चलिए, तो इनका मृत्यु कब हुई है? 30 जनवरी को हुई है, सन 1966 में हुई। कहाँ हुई है? तो कलकत्ता में हुई है। ठीक है, चलिए, इनके बड़े भाई कौन है? तो इनके बड़े भाई हैं मुकुल चंद्र डे। कौन है? मुकुल चंद्र डे। ठीक है, मुकुल चंद्र डे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी बहन कौन है? इनकी बहन है रानी चंदा। कौन है? रानी चंदा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इनका माध्यम क्या है? इनके रंगों का माध्यम क्या है? तो इनका माध्यम है टेम्परा और जल रंग। क्या क्या है? टेम्परा और जल रंग के माध्यम से ये करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, रंग इनको कौन कौन से ज़्यादा करते थे ये रंग? तो वो थे गहरे गुलाबी। ठीक, कौन सा? गहरे गुलाबी रंग का प्रयोग ज़्यादा करते थे। ठीक, चलिए, तो इनके बड़े भाई कौन थे? इनके बड़े भाई थे मुकुल चंद्र डे। ठीक है, कौन थे? मुकुल चंद्र डे। इनकी बहन कौन है? इनकी बहन है रानी चंदा। ठीक है, इनके चित्रों का माध्यम क्या है? तो इनके चित्रों का माध्यम ये टेम्परा माध्यम से कला करते थे और जल रंग के माध्यम से कला करते थे। ये किन रंगों का प्रयोग अधिक करते थे? तो ये गहरे गुलाबी रंग का प्रयोग अधिक करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, मनीषी डे का जन्म। ठीक है, मनीषी डे का जन्म, मनीषी डे का जन्म कहाँ हुआ है? एक कलात्मक परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलात्मक परिवार में हुआ था। ठीक है, कलात्मक परिवार में हुआ था। चलिए, यानी इनके यहाँ ज़्यादा सभी कलाकार रहे थे। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? एक कलात्मक परिवार में हुआ है। किसका? मनीषी डे का जन्म। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मनीषी डे के चित्रकला के प्रथम शिक्षक कौन थे? तो इनके चित्रकला के प्रथम शिक्षक किसके? मनीषी डे के चित्रकला के प्रथम शिक्षक। ठीक है, क्या? चित्रकला के प्रथम शिक्षक कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। आपसे पूछा जा सकता है कि मनीषी डे के प्रथम शिक्षक कौन थे? तो कौन थे वो? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शांति निकेतन में नंदलाल बोस से कला की शिक्षा प्राप्त की। क्या किया इन्होंने? कला की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, कला की शिक्षा प्राप्त की। चलिए नेक्स्ट
पॉइंट है, पहले इसको समझ लेंगे। शांति निकेतन में, ठीक, कहाँ पर? शांति निकेतन में किससे शिक्षा प्राप्त की? तो शांति निकेतन में इन्होंने नंदलाल बोस से कला की शिक्षा प्राप्त की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मनीषी डे ने शांति निकेतन में किससे शिक्षा प्राप्त की? तो नंदलाल बसु से प्राप्त की, ठीक है। किसकी शिक्षा? कला की शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनीषी डे विद्रोही, मनीषी डे विद्रोही तथा फक्कड़ स्वभाव होने के कारण, तथा फक्कड़ स्वभाव होने के कारण मूड में आने पर चित्रण करते थे, ठीक है, मूड में आने पर चित्रण करते थे। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो मनीषी डे कैसे स्वभाव के थे? तो ये एक विद्रोही स्वभाव के थे, ठीक है, और ये फक्कड़ स्वभाव के थे। यानी जब इनका मन होता था तभी ये क्या करते थे? चित्रण कार्य करते थे, वरना नहीं करते थे, ठीक। तो ये कैसे विद्रोही और फक्कड़ स्वभाव के थे? कौन? मनीषी डे। और ये कब कला करते थे या कब चित्रण करते थे? तो जब इनका मूड होता था, इनका मन होता था, तभी ये चित्रकला करते थे। चलिए मनीषी डे को परिवार से ज़्यादा मित्र मंडली प्रिय थी, ठीक है। तो मनीषी डे को क्या परिवार से ज़्यादा क्या प्रिय था? इन्हें मित्र मंडली प्रिय थी, ठीक है। टाटा रेलवे तथा कई कपड़ा मिलों के लिए सुंदर विज्ञापन किए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किए हैं? टाटा के लिए, ठीक, और रेलवे आदि के लिए, और कई कपड़ा मिलों के लिए इन्होंने क्या किया? सुंदर विज्ञापन बनाए हैं, ठीक है। क्या बनाया है? सुंदर विज्ञापन बनाए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मनीषी डे व्यापारिक कला के क्षेत्र में सफलता के बावजूद उनका मन पूरी तरह से नहीं लगा, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो मनीषी डे किससे? व्यापारिक कला के क्षेत्र में, यानी इन्होंने व्यापारिक कला के क्षेत्र में, यानी इन्होंने टाटा के लिए काम किया था, रेलवे के लिए काम किया, कई कपड़ा मिलों के लिए काम किया था, ठीक है। तो इनका मन व्यापारिक कला के क्षेत्र में सफलता के बावजूद, मतलब इन्हें व्यापारिक कला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई थी, ठीक है, मगर इनका मन पूरी तरह से यहाँ नहीं लग पाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनीषी डे ग्वालियर बंबई और दक्षिण भारत में रहकर अपनी सर्वश्रेष्ठ कला का सृजन किया, ठीक है, अपनी सर्वश्रेष्ठ कला का
सृजन किया है, किसने? मनीषी डे ने, ठीक है। मनीषी डे ग्वालियर, मुंबई और दक्षिण भारत में रहकर अपनी सर्वश्रेष्ठ कला का सृजन किया। तो ये कहाँ कहाँ रहे थे? ये ग्वालियर में रहे थे, ठीक है, और कहाँ रहे थे? बम्बई में रहे थे और दक्षिण भारत में रहे थे, ठीक है। और यहाँ रहकर इन्होंने क्या किया था? अपनी कला का सृजन किया था, मतलब यहाँ पर इन्होंने अपनी कला अच्छे से सीखी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनीषी डे। अब इन्होंने क्या चित्रित किया ये देख लेते हैं। मनीषी डे, मनीषी डे प्राकृतिक या फिर प्रकृति, मनीषी डे प्रकृति तथा नारी जीवन संबंधित विषयों का चित्रांकन किया। तो मनीषी जी ने किससे संबंधित चित्रण किया है? तो इन्होंने प्रकृति को चित्रित किया है और किसको? नारी जीवन से संबंधित विषयों पर चित्रण किया था। आपसे पूछा जा सकता है मनीषी जी ने किन विषयों से संबंधित चित्रण किया, तो इन्होंने प्रकृति से संबंधित चित्रण किया और नारी जीवन से संबंधित चित्रण किया है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला मनीषी डे ने बनाया, ठीक है। मनीषी डे ने बनाई, ठीक, इन्होंने बनाई जिसमें उन्होंने कुमारियों की मनस्थिति एवं मुद्राओं की सूक्ष्मता को बड़ी ही कुशलता पूर्वक बनाया, ठीक है। चलिए तो भारतीय कुमारियों इनकी एक चित्र श्रृंखला है, ठीक, इसकी मनीषी डे की एक चित्र श्रृंखला है, ठीक, जिसे किसने बनाया था? मनीषी डे ने बनाया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने कुमारियों की मनस्थिति को बताया है, ठीक है, यानी कुमारियों के मन की क्या स्थिति है उसको बताया, और मुद्राओं की सूक्ष्मता को, बड़ी उनकी अलग अलग मुद्राओं को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ इन्होंने चित्रित किया है, यानी उसकी गहराइयों को बहुत अच्छे से इन्होंने चित्रित किया है, ठीक। तो इनका कौन सी चित्र श्रृंखला है? भारतीय कुमारी, ठीक, किसकी चित्र श्रृंखला है? मनीषी डे की। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। मनीषी डे की चित्र शैली कैसी थी? ओज पूर्ण थी और इनके चित्रों के प्रशंसक जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। तो मनीषी डे की चित्रशैली कैसी थी? ओज पूर्ण थी, ठीक है। और इनके चित्रों की प्रशंसा किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। तो चलिए ये थे आपके कलाकार मनीषी डे, ठीक है। इससे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको सारे लिखवा दिए हैं, ठीक है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।